गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मिलिट्री स्टैमिना के बारे में, और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल गौतम मूर्ति। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। गुड इवनिंग शंकर, गुड इवनिंग व्यूअर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन ऑन गनर शॉट ऑन योर कासा डायलॉग्स। थैंक्स अ लॉट सर। मैं सबको बताना चाहता हूँ, आज हम एक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक ऑन मिलिट्री स्टैमिना ऑफ आर्मी और द नेशन, और क्या क्षमता है हमारे अंदर लड़ने के लिए, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक है, बहुत लोगों को पता नहीं है ज्यादातर, और उनको समझाने के लिए एक रियल एक्सपर्ट की जरूरत है, और वो एक्सपर्ट हैं जनरल गौतम मूर्ति। वो इसीलिए वो एक्सपर्ट हैं कि ये रह चुके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डनेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी। एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डनेंस फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी डील्स विद द कंप्लीट लॉजिस्टिक स्टेमिना ऑफ द आर्मी। एमिनेशन लेना, टेक ओवर करना फैक्ट्रियों से, एक्स इम्पोर्ट टेक ओवर करना, इम्पोर्ट का देखभाल करना, वो सामान लाना इधर, हर एक जगह फैलाना, ताकि लोग जो हाँ लड़ रहे हैं उनके पास तक एमिनेशन पहुंचे, और उसके बाद उसका स्टॉकिंग करना, और उसके बाद उसको रिपेयर करना, इंस्पेक्शन करना, राइट, और उसको टर्नओवर करना, पुराने एमिनेशन को डिस्ट्रॉय करना, ये सब चीज का जिम्मेवारी इनका था, राइट। और सिर्फ एमिनेशन ही नहीं, हर एक वॉरलाइक स्टोर, गन बैरल हो या नट हो, वो टायर हो, कुछ भी, राइट, हर चीज के बारे में। तो ये थे, तो इसीलिए मैंने इनको बुलाया। सर, आप 2 मिनट इससे पहले कि हम सब्जेक्ट के ऊपर वी गेट इन, योर ओवरऑल व्यूज अबाउट द यू नो नेशनल स्टैमिना, क्या हमारे पास क्षमता है या नहीं, मोटे मोटे तौर पर बताइए, विल गो इनटू लॉजिक लेटर। देखिए, मैं थैंक यू जनरल शंकर, जो आपने बोला था अपना आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के बारे में। ये जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का, जिसका मैं हेड रहा 2012 से 2014 तक, हम पूरा आर्मी का, जैसे हम बोलते हैं फ्रॉम अ पिन टू अ टैंक, हम इसके लिए जिम्मेवार है। 4 आइटम के लिए हम जिम्मेवार नहीं है, वो है फ्यूल, फॉडर, फूड और मेडिसिन। फ्यूल, फॉडर, फूड हमारा सिस्टर कोर है आर्मी सर्विस कोर, और मेडिसिन जैसे आप लोगों को मालूम है अपना आर्मी मेडिकल कोर। उसके अलावा पिन टू अ टैंक इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, और इसमें जैसे जनरल शंकर ने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेवारी हमारा है एम्युनिशन का, और इसी के पीछे मेरा ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर रहा। गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर हमेशा है, और ये ऑल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट होता है अपना एम्युनिशन स्टॉकिंग और एम्युनिशन के बारे में मैनेजमेंट, राइट। ये आपने बहुत अच्छी बात बताया, और एम्युनिशन के बात आपने उठाया, मैं सबको बताना चाहता हूँ। जॉन मियरशाइमा, जो यूएस के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जब यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बीच जो हो रहा है, के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने कमेंट किया, 2 चीज चाहिए आज के जमाने में लड़ाई जीतने के लिए, एक तो मैन पावर, ताकत, आदमी, और दूसरा आर्टिलरी, राइट। और आर्टिलरी में उसने खास बताया कि भाई आपके पास एम्युनिशन है कि नहीं, राइट। तो बहुत सबको ये डाउट हो रहा है कि क्या रशिया के पास तो है आर्टिलरी एम्युनिशन, पर फिर भी वो तरस रहा है, वो पाकिस्तान से ले रहा है एम्युनिशन, यूएसए और नेटो के पास वो भी तरस रहे हैं एम्युनिशन लाके यूक्रेन को देने के लिए। तो
पूरा अगर आप दृश्य देखोगे, एमिनेशन जो जनरल गौतम मूर्ति ने बताया वो एक ट्रंप का इक्का है, ट्रंप का राइट निकला कि अगर आपका स्टेमिना है लड़ने के लिए, बाकी चीज भी इम्पोर्टेंट है पर फोकस एमिनेशन, अगर हम आपके पास एमिनेशन है तो गोली है तो सब किसी को उड़ा सकते हो आप, बड़ा सिंपल सी बात है। गोली होना चाहिए और अच्छे तादाद में होना चाहिए और अच्छे गोली चाहिए। तो आज हम ज्यादातर मिलिट्री स्टेमिना में हम ज्यादातर फोकस एमिनेशन के ऊपर ही करेंगे, ठीक। तो अभी इसके साथ हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी, राइट। मैं सर आपको एक पेपर का क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो इंडिया टुडे का है, आप इसके बारे में जरा जिक्र कीजिए फिर हम आगे चलेंगे। पहले बात है कि ये रिपोर्ट है 6 साल पुराना करेक्ट, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है कि हमारा स्टॉक 10 दिन के लड़ाई में खत्म हो जाएगा। नाउ ये जैसे आप देख रहे हो ये अलार्मिस्ट है। हम इसको पढ़ के हम थोड़ा हिल जाते हैं अगर हमें इसका करेक्ट पिक्चर का पता नहीं कि ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे। ये बोल रहे हैं क्योंकि इंडियन आर्मी और मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सोच रहे हैं कि हम वॉर के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एमिनेशन रखना चाहिए जो रेट्स होता है नॉर्मल और जो होता है इंटेंस, यानी कि लड़ाई अगर नॉर्मली चले और खूब लड़ाई इंटेंस वॉरफेयर में अगर हमें फाइट करना है तो कितना दिन एमिनेशन होनी चाहिए और नॉर्मल लड़ाई में कितने दिन एमिनेशन होनी चाहिए। और मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा है अपना सीएजी का वेबसाइट पे ये रिपोर्ट है और जहाँ से इंडिया टुडे ने इसको पिकअप किया है। शॉर्टेज हम बोल सकते हैं अगर पूरा देश इन्वॉल्व हो, चाइना के अगेंस्ट हम लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट, ईस्टर्न सेक्टर में, नॉर्दर्न सेक्टर में, सब जगह शुरू हो जाए। लेकिन हमें ये भी मालूम होने चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है ऐसे लड़ाई होने के लिए। शॉर्ट लड़ाई होना, यूक्रेन रशिया दिखा रहा है कि हमें 1 साल से भी लड़ाई हो सकता है अगर सप्लाईज चलते रहे। ऐसे लड़ाई में कितने पॉजेस होते हैं, कैसे लॉजिस्टिक्स होता है, ये सब हम इसका स्टडी करते रहते हैं कि इससे हम क्या लेसन्स लें और कितना एमिनेशन ये रिपोर्ट जो है जो जनरल शंकर दिखा रहे हैं इंडिया टुडे का, क्या यह वास्तव में इसको देख के हमारा मोरल डाउन होने चाहिए या हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, थैंक यू। राइट। तो दूसरा रिपोर्ट है कि कुछ दिन बाद ये आया, ये कुछ संविधान की आर्मी स्टॉकिंग अप एमिनेशन फॉर 40 डे वॉर। वो 10 साल पहले 10 दिन का नहीं था, अभी 40 डे की बोल रहे हैं। आप इसके बारे में भी इसका आपका राय बताइए। देखिए हमारा जो एमिनेशन का स्टॉकिंग प्लान होता है उसको हम बोलते हैं 5 ईयर रोल ऑन प्लान। मतलब हम 5 साल के लिए इसका कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन बहुत ही साइंटिफिक और स्टेटिस्टिकल लेवल पे ये कैलकुलेशन होता है। स्केल्स लेट डाउन होते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ और ना ही इस ये फोरम में बोलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बस आपको आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए कि ये पूरा बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन के बेस पे होता है। फिर डिमांड्स प्लेस होता है, आपको मालूम होने चाहिए आपके व्यूअर्स को, हमारा 14 फैक्ट्रीज है हमारे कंट्री में जो ये एमिनेशन मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 100%
हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है या हम इंपोर्ट करते थे कुछ क्वांटिटी, थोड़ा बहुत राइट अभी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी उनको वेलकम करने के लिए कि आप भी आ जाओ कंपटीशन में। और शायद आपके व्यूअर्स को पता होगा कि ये जितने भी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज है ये अभी डिफेंस पीयूसी बने हैं और एम्युनिशन का बेसिकली दो बने हैं, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एंड यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जिसके नीचे ये 14 ऑर्डनेंस ये एम्युनिशन फैक्ट्रीज आते हैं जो एम्युनिशन और उनके कंपोनेंट्स बनाते हैं। आपने दो बात अच्छी, बहुत जरूरी बात बताया कि आप बनाते हो एम्युनिशन का प्लान 5 साल, 5 साल का रोल ऑन प्लान का मतलब 5 साल आगे हम सोचते हैं कि कितना हमें एम्युनिशन चाहिए। ये बात नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात बताया कि एम्युनिशन मैनेजमेंट सिस्टम एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये नहीं कि अरे घरे की जिसको मर्जी आया कर लिया, वो एक तरीका है। 5 साल बाद जो हमें एम्युनिशन चाहिए वो आज हम उसको प्रोक्योर करने के इसमें है, क्योंकि ज्यादातर एम्युनिशन हम इंडिया में ही बनाते हैं, कुछ हम इंपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। दूसरी बात आपने बताया 14 एम्युनिशन फैक्ट्री है हमारे और तरह तरीके के एम्युनिशन फैक्ट्री जिसके बारे में हम आगे आप बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इट। मैं ये एक रिपोर्ट है वॉर ऑन द रॉक्स, कैन इंडिया ट्रांसेंड इट्स टू फ्रंट चैलेंज, और ये चंद 3 साल पहले की है, एक सुशांत सिंह ने लिखा है, वो अक्सर फौजी इश्यूज के बारे में लिखते रहते हैं, और इन्होंने बोला कि क्या ये हो सकता है। उन्होंने बहुत चीजों के बारे में विश्लेषण किया पर उन्होंने एम्युनिशन के बारे में ये बात किया, ये सिर्फ 3 साल पहले की बात है, इसीलिए मैं फ्रेश, जो पहले रिपोर्ट हमने देखा था वो 2013 का था। ये लिखते हैं बाय ऑल अकाउंट्स इंडिया अपीयर्स कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट, लेट अलोन अ 2.5 फ्रंट वॉर। Reports by India's constitutionally mandated auditor have highlighted that stocks of 55% types of ammunition were below the minimum acceptable risk level meant to last 20 days of war fighting. More alarmingly, stocks of 40% types of ammunition were not even sufficient for 10 days of intense war fighting. A retired Major General explained that this led then Defense Minister Manohar Parrikar to arrive at a decision in 2016 to stock only 10 days of ammunition for the entire army from the earlier much inflated figures of 40 days slashed to the minimum acceptable risk level of 20 days. देखिए अगर आप देखेंगे तो पहले हमने दिखाया कि 10 दिन भी नहीं था हमारे पास, फिर हमने आपको रिपोर्ट दिखाया कि भाई 40 दिन के लिए हम खोज रहे हैं, फिर ये रिपोर्ट हमने देखा, ये जो इंटरनेशनल मैगजीन में इस शख्स ने लिखा है कि नहीं नहीं हमारे पास वो क्षमता नहीं है, कुछ में कम है, सिर्फ हम 10 दिन के लिए जूझ रहे हैं, कुछ हद तक सही है पर ज्यादा हद तक सही नहीं है। ये आप हम सबको पता होना चाहिए, और ये मैं यकीनन बता सकता हूं, यकीनन, क्योंकि मैं डीजीआरटी था और मेरे को पता है हमारा आर्टिलरी के पास हर राउंड तक कितना है और क्या ये है। पर इसमें एक कहानी भी है, ये भी हम बाद में बताएंगे, वो कहानी क्या है कि एक जमाने में 2010-2012 आपको याद होगा जनरल गौतम सर कि 8-10-11 हमारे पास एम्युनिशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, फ्यूजेस के प्रॉब्लम थे, चार्ज बैग्स के प्रॉब्लम थे, उसके बारे में आगे जिक्र करूंगा और विस्तार में बताऊंगा, पर वो प्रॉब्लम वो हल गया, हट गया, राइट। तो इसको बताते हुए सर नेक्स्ट चीज, मैं एक और चीज मैं सबको हमारे जितने सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, जो मैंने जब आर्टिलरी के बारे में बात किया था, कारगिल आर्टिलरी और यूक्रेन आर्टिलरी के बारे में पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि आर्टिलरी वन द वॉर फॉर इंडिया बाय पल्वराइजिंग पाकिस्तान डिफेंसेस टू स्मिथरीन्स एंड कारगिल, वी फायर्ड ओवर 2,50,000 2,50,000 शेल्स बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स, वी फायर्ड एन अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज
इन 10 to 15 days हमने इतना 2,50,000 एमिनेशन के राउंड फायर किए हमने। टाइगर हिल के ऊपर सिर्फ 9,000 शेल फायर किया। ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑन एवरेज ईच आर्टिलरी बैटरी, ईच बैटरी है 6 राउंड, फायर्ड ओवर 1 राउंड पर मिनट फॉर 17 डेज कंटिन्यूअसली, याद रखिए ठीक है। द पाकिस्तानीज वर सिंपली आउटगन्ड, उनको चेप दिया हमने, अगर हमारे मेरे शब्द में बोलो तो उनको धज्जियां उड़ा दिया हमने। सच इंटेंस फायरिंग वॉज सीन ओनली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा महाविश्व युद्ध और कारगिल के बीच में 53 ईयर्स ऐसे लड़ाई किसी ने देखा नहीं, इतना आर्टिलरी का उपयोग किसी ने देखा नहीं। उसके बाद इट इज ओनली इन यूक्रेन सच इंटेंस फायरिंग इज बीइंग विटनेस्ड। देखिए सब ये भूल जाते हैं हमारे जितने ये यूक्रेन के बारे में पढ़ के, भाई जो यूक्रेन में अभी हो रहा है हमने क्या 99 में किया है, और उन दिनों में जब हमारे पास सच्ची में अमरेशन की किल्लत था और गन्स भी नहीं थे हमारे पास। अभी तो दृश्य ही बदल गया राइट। और मैं तो सॉरी, मैं एक छोटा सा बोलूं। हाँ प्लीज सर। फायर किया है कारगिल में, वो मच मोर उस पीरियड में जो यूक्रेन में हो रहा है फायरिंग दोनों तरफ से, जितना कारगिल में हमने फायर किया जैसे आपने बताया 1 राउंड पर मिनट ओवर पीरियड ऑफ 17 डेज, आई डू नॉट थिंक इन द यूक्रेन वॉर दिस काइंड ऑफ फायरिंग हैज एवर टेकन प्लेस। इट हैज नॉट हैपेंड। सो जैसे जनरल शंकर ने बताया, पॉइंट टू रिमेम्बर इज जब हमारे पास एम्युनिशन का कमी था और हमारे पास गन्स के कमी था, फिर भी अपना आर्मी आर्टिलरी, अपना फौज का आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी खास करके रोज टू द ओकेजन, एंड इट वॉज बेसिकली एन आर्टिलरी वॉर एंड एन इन्फेंट्री वॉर। आर्टिलरी पल्वराइज किया, फिर इन्फेंट्री जाकर के कैप्चर किया, उससे बहुत हमें सबक सीखा है राइट। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे पास क्षमता है। मैं आज हम दोनों आज आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे पास कितना क्षमता है, मोटे मोटे तौर पर, ये नहीं कि एक्चुअल फिगर्स हम नहीं बताएंगे ठीक है। तो राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये आप बताइए दिखाई, सॉरी नॉट दिस सर, एक मिनट। हाँ, जब हम लॉजिस्टिक स्टैमिना के बारे में बात करते हैं, यू प्लीज टेक ऑन सर, आई थिंक आप ही बताइए इसका। देखिए पहले बात है, जो जनरल शंकर ने वो रिपोर्ट से शुरू किया, सुशांत सिंह का जो रिपोर्ट था कि हमारे पास इतना है टू फ्रंट वॉर, प्लीज रिमेम्बर 1971 वाज अ टू फ्रंट वॉर। दो फ्रंट हमने किया है, दोनों फ्रंट में किया है, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, और हमने वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक नया देश क्रिएट किया उससे, और वो इंटेंस वॉर था। उससे हमने मैनेजमेंट वेस्टेज फिगर्स, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर का फिगर्स ले करके हमने अपना जो स्केल्स बनाया उसी के आधार पे हमने बनाया, और वो बनाया हमने कि टू फ्रंट वॉर, पूरा हमारा आर्टिलरी डिप्लॉय होगा, पूरा हमारा टैंक्स डिप्लॉय होगा, हमारा पूरा इन्फेंट्री डिप्लॉय होगा उसके बेसिस पे। अभी आप प्रोडक्शन के बारे में देखो, हमारे पास 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं, हमारे पास 9 डिफेंस पीएसयूज हैं, हमारे पास अभी 2020 से जो नया डिफेंस एक्विजिशन होल चीज बदल गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, हम एकदम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका बिजनेस जो हम बता रहे हैं डिफेंस मार्केट, ये आत्मनिर्भर भारत हमारा सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री के अभी इस बजट में 5.94 लाख करोड़, 13% ज्यादा डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सेटअप किया, और बता रहे हैं कि हमारा एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चर टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ होने वाला है, और इस साल
ओनली टिल अप्रैल 2023 600 से ज्यादा इंडस्ट्रियल लाइसेंस इशू हुआ है 369 कंपनीज के लिए डिफेंस सेक्टर्स। और भी आप लोगों को पता होगा कि पहले हमने एक नेगेटिव लिस्ट निकाला 2020 को, जो हमने नेगेटिव शब्द को चेंज करके उसको पॉजिटिव बनाया। 300 से ज्यादा आइटम है जहां हमने बताया है कि ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। FDI जो डिफेंस सेक्टर में 74% ने बनाया है, और जनरल शंकर साहब नोज वेरी वेल, जो दो मतलब वो एसोसिएटेड है ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो तमिलनाडु और यूपी में बना, खास करके तमिलनाडु में, तो बहुत इनोवेशन, आईडेक्स, DTIS सब कुछ बहुत ही फाउंडेशंस हमें ले किया है। ये टाइम लगेगा बनने में, ये नहीं कि एक साल में बन जाएगा या दो साल में बन जाएगा, ये टाइम लगेगा, लेकिन पाथ तो हमने डाला है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलाकर के डिफेंस प्रोडक्शन को कैसे आगे बढ़ाए। या ये ओवरव्यू जो सर ने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें जाहिर होता है कि हमारा ओवरऑल ताकत क्या है, लॉजिस्टिक स्टेमिना क्या बन रहा है, राइट। लॉजिस्टिक स्टेमिना काफ करके इन्होंने जो शुरू किया कि वो अपना प्रोडक्शन लाइन से शुरू होता है। आप पूरा लॉजिस्टिक स्टेमिना का क्या, ये नहीं कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना फायर कर सकते हो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आप बना सकते हो, कितना आप स्टॉक कर सकते हो, कितना होल्ड कर सकते हो, कितना आप डिलीवर कर सकते हो, आपका एमिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आप फोरकास्टिंग के बारे में सर ने बताया। अभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया कि भाई 71 के लड़ाई में जिस तरीके से हमने फोरकास्ट किया था दो फ्रंट वॉर में कितना एमिनेशन उसका, वो हमारे पास पूरा डेटा है। 99 का वॉर कारगिल में जो हुआ था उसका डेटा है हमारे पास, और ये 5 ईयर रोल ऑन प्लान के बारे में जो इन्होंने जिक्र किया वो भी डेटा है। ये 4-5 चीज मिला के हम फोरकास्ट करते हैं। फिर एक चीज है टैक्टिकल मैनेजमेंट, यानी कि लड़ाई के मैदान में हम मैनेज करते हैं कि गन के ऊपर कितने राउंड है, गन पोजिशन में कितने राउंड है पीछे, उसके पीछे वो बैटल जोन में कितने है और पीछे क्या है, और उसको किस तरीके से गन तक पहुंचा जाए। अगर फायर तो गन ने करना है तो पीछे से लेकर कैसे, तो वो जो टैक्टिकल मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, आपके प्रोडक्शन से लेकर आप डिपो में कैसे ले जा सकते हो वगैरह वगैरह। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, एट द आउटसेट, ये जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज है और एमिनेशन बड़ा महंगा है, और देश जो है हर रोज लड़ाई के लिए नहीं जाते। आप अगर सोचते हो नहीं नहीं हमें एक साल के एमिनेशन रखना है, तो एक साल का एमिनेशन कोई देश अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। अगर आप 10 साल में ये आप लड़ाई नहीं करोगे तो 10 साल के बाद ये एमिनेशन आपको जलाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बैलेंस रखनी पड़ती है कि आपके पास कितना है या नहीं है, और आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि जो है आपके पास सही तरीके से पहुंचा जाए, और जो नहीं है आपके क्षमता होना चाहिए आपको बनाने की। और ये भी इसके इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट किस तरीके से आप पूरा देखते हो, आपका लोकल कैपेसिटी से नहीं, दुश्मन का क्या है, ये सब सोच के ही ये फोरकास्टिंग होता है। तो अगर आप और कुछ बताना चाहते हो सर इसके बारे में। मैं यस एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कारगिल का एग्जाम्पल दिया है वो एक सेक्टर में था, अभी आपने डिस्कस किया है बाकी एक्सपर्ट से थिएटर कमांड्स जो बन रहा है, और हमें देखना पड़ेगा कि ये अभी जो हमारा एमिनेशन का पूरा सप्लाई सिस्टम है ये थिएटर कमांड में कैसे हमारा स्टॉकिंग होगा, कैसे इसका एक्सपेंडिचर होगा, ट्रेनिंग में कैसे एक्सपेंडिचर होगा, ऑपरेशन में, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट्स बनाना है। इंटीग्रेटेड जो लॉजिस्टिक्स का आपने भी पहले डिस्कस किया था वो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो सब कॉन्सेप्ट्स
को हमको लेकर के एक्सरसाइज के साथ ये सब वैलिडेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि इसके सबके ऊपर उम्मीद है और हमें पता है क्योंकि हम आर्मी के हैं कि इसको ऊपर जरूर चर्चा हो रहा होगा, जरूर प्लानिंग हो रहा होगा कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, आगे कैसे हम इसको इंटीग्रेट करके इसको चाइना या पाकिस्तान जहां भी हो उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास थ्रेट आए तो इसको हम कैसे काउंटर करें, स्टॉकिंग कैसे करें, कितना आगे रखें, कितना पीछे रखना चाहिए, क्या अपना वो जो लॉजिस्टिक्स का जैसे डिलीवरी सिस्टम है ये डिलीवरी सिस्टम्स को भी हमें वैलिडेट करना चाहिए। थैंक यू। या आप देखिए हमारे पास इतने ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं जो गौतम मूर्ति ने पहले बताया, अगर आप इस फैक्ट्रीज को देखेंगे ये देखिए क्या क्या बनाते हैं, ये हम तकरीबन हर तरीके का सिस्टम अमिनेशन बना सकते हैं। कुछ कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सब कुछ बना सकते हैं, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हर चीज बना सकता है। कुछ कमियां हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ आधुनिक ये है जो हम इंपोर्ट करते हैं, पर जहां तक मोटा मोटे तौर पर जो आर्टिलरी का एमिनेशन है वो पूरा हम हमारे हुए हैं, रॉकेट एमिनेशन है हमारे पास पूरा है। आप सर थोड़ा बताइए इसके बारे में आपका विचार। देखिए जैसे मैंने पहले ओपनिंग में ही बताया कि हमारा मैक्सिमम एमिनेशन इसी देश में बनता है, टीओटी जरूर है, खास करके आर्टिलरी एमिनेशन, कुछ प्रेसिशन एमिनेशन वगैरह वगैरह कुछ हम इंपोर्ट कर रहे थे, अभी उसके लिए लाइसेंसेस भी हम मतलब कुछ 18 आइटम्स के जो पेपर में आया था कि हमने लाइसेंसेस दिया है एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री प्राइवेट फर्म्स को, तो हमारे ख्याल में कि हमारे बस एक मेन प्रॉब्लम है जो जनरल शंकर ने बताया, उन्होंने अल्यूट किया था कि हमारे पास हम कितना पैसा खर्चा करें इसके ऊपर। कारगिल के बाद हमारे कहां आर्टिलरी फायर किया हुआ है, आर्मर्ड टैंक्स कहां फायर किया हुआ है अदर देन ट्रेनिंग। सो अगर हम पूरा का पूरा दौर पे एमिनेशन मैन्युफैक्चर करें तो जैसे जनरल शंकर ने बताया 10 साल 15 साल के बाद पूरा वेस्ट होके तो निकल जाएगा, तो देश के लिए कितना ये वेस्टेज होगा। लेकिन फिर भी हमें क्या बैलेंस मेंटेन करना है ये कॉन्सेप्ट हमारा जो फौज है वो इसको जरूर वैलिडेट करता रहेंगे करते रहेंगे और इसको इस नजर से देखना है कि यस क्या हम चाइना को डिटर कर सकते हैं हमारा एमिनेशन होल्डिंग के साथ, हमारा स्टेमिना के साथ, अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करे हम कितने दिन के लिए ये लड़ाई में हम कंटिन्यू टू फाइट एंड मेंटेन अवर पोजीशन इफ नॉट मूव अहेड। या तो ये बैलेंस की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है कि कितना आपको चाहिए, कितना आप खर्च कर सकते हो, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कितना आप वेस्ट कर सकते हो। आपको मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए सिर्फ आर्टिलरी सिर्फ ट्रेनिंग, हर साल ट्रेनिंग के लिए हमें 2-3 लाख गोले चाहिए और हर गोला हर तरीके के गोला, उसमें 155 भी होता है, 105 होता है, मोटर्स होते हैं, हर तरीके के गोला अगर आप मिलाओगे तो तकरीबन उसका कीमत है हर गोला का 50,000 रुपए मोटे मोटे। आप देख लीजिए फिर 2 लाख गोले एक एक 50,000 का सिर्फ ये आर्टिलरी का है, फिर आप देखिए इसको जोड़ दीजिए आप बाकी आर्मर हुआ इन्फेंट्री हुआ इनका क्या रिक्वायरमेंट है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद आप नेवी का जोड़ दीजिए या फिर एयरफोर्स का जोड़ दीजिए कितना पैसा होगा। तो थोड़ा बेवकूफी है अगर कोई सोचता है कि हम ना एक साल का लड़ाई के लिए हम बना के बैठे ना, ये एक साइंस होता है, इसीलिए हमने पहले बताया
ये पूरा जो आर्टिलरी एमिनेशन, पूरा एमिनेशन या लॉजिस्टिक स्टेमिना बिल्ड करना एक साइंटिफिक तरीका होता है। हर चीज वेस्टेज रेट्स के ऊपर होते हैं, हर चीज जो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, राइट? तो ये अनुमान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी बात नहीं है कि आर्टिलरी एमिनेशन या कोई भी एमिनेशन या कोई भी वस्तु, आप टायर भी ले लीजिए, आपको 2 मिनट में नहीं मिलेगा। अगर सियाचिन में टायर चाहिए तो वो कहीं बनना पड़ेगा और कहीं जाना पड़ेगा और उसको वहां ले जाना पड़ेगा। तरीके हैं, वो तो अलग बात है। ओके, अभी क्या हम देखते हैं और जैसे आप बजट के ऊपर बोला है, आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट, वी आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 crores ऑन एमिनेशन एवरी ईयर। तो उतना आसान देखिए नहीं है। तो अभी आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, सबको बड़ा शक होता है कि क्या हम आत्मनिर्भर हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बात आता रहता है। जैसे ये सुशांत सिंह जी ने लिखा है कि हमारे पास एम्बिशन ही नहीं थी, एक्स वाई जेड। एक आर्टिलरी गोले को फायर करने के लिए कार्ट्रिज चाहिए होते हैं जो बाएं हैं, रे वो प्रोपेलेंट भी बोला जाता है, फिर शेल चाहिए पूरा गोला और उसका फ्यूज चाहिए, 3 हिस्से चाहिए। तकरीबन मोटे मोटे तौर पर ये जो फ्यूज है वो 10-15 हजार का होता है, ये कार्ट्रिज जो है वो भी 10-15 हजार के होते हैं, बाकी जो 60-70 हजार है वो आपका एक गोला का होता है, ये कीमत 1 लाख। नेक्स्ट, ये तो मानना पड़ेगा 2010 के करीब, 8, 9, 10, उन दिनों में 10-12 तक हमें किल्लत था फ्यूजेस का किसी वजह से, और हमारे पास ये भी क्षमता नहीं था कि ये कार्ट्रिज केस बनाए, क्योंकि इसका एक तरीका था, वो कुछ फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गए, एक्स वाई जेड बहुत प्रॉब्लम्स थे। पर ये सब जब मैं सर्विस में था, हमारे हमने पूरा कर लिया। हम जब सर्विस में थे 2016 तक, अभी वो भी साल हो गया, इनका पूरा फैक्ट्री चलना शुरू हो गया। देर आर टू थ्री स्ट्रीम्स इन विच ऑल दीज वर कमिंग, ये नहीं कि एक तरफा आ रहा है, एक ही फैक्ट्री से आ रहा है। और ये 2017 में मेरे को पूरा यकीन था जब हमने डोकलम में चाइना वालों को रोक दिया, अगर याद है तो चाइना वालों को रोक दिया, वो कोई नहीं रोक सकता था अगर आपके पास आर्टिलरी का एमिनेशन ना हो तो। हम 2020 में जाके हमारे फौज को वहां दो ईस्टर्न लद्दाख में कड़ा कर दिया और बोला कि भाई आ जाओ, हम निपट लेंगे आपसे। हालांकि बहुत लिखा गया सब कुछ, पर आर्मी अगर वो कदम, ऐसे कदम, ठोस कदम लेके बोला तब से लेकर आज तक, तो हमारे पास तो एमिनेशन हुआ ही होगा ना। और मेरे को पूरा यकीन है हमारे पास काफी एमिनेशन था। या बस मैं फिगर्स में नहीं जाऊंगा, पर आप मान के चलिए अगर यही हालत इसका है, क्योंकि गन्स और एमिनेशन हमारा थोड़ा वीकनेस था पहले, अगर ये पूरा हो गया तो बाकी भी पूरा हो गए होंगे। कुछ कुछ एरियाज में अभी भी वीकनेस है, मैं मानता हूं, पर ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हम इसमें हैं। ओके, नेक्स्ट चीज सर, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन। वन आई जस्ट ऐड, वी शुड नॉट गेट अलार्म्ड बाय व्हाट वी रीड इन द प्रेस। पेपर, बस पेपर में जो लिखा गया है वो देखो, पत्रकार वही बोलेगा जो सनसनी केस है। आप थोड़ा सोचिए, अगर एक कुत्ता ना आदमी को काटता है वो तो न्यूज नहीं है ना, पर आदमी जब कुत्ते को काटता है वो तो न्यूज है, तभी जाके वो अखबार के फ्रंट पेज में छपता है। पत्रकारों का काम यह है कि सनसनी केस फैलाना, तो वो तो बोलते हैं कि हमारे पास अब एमिनेशन नहीं है और ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह, और कुछ ये इसमें राजनीतिक खेल भी चलते हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। पर एक्चुअल जो है वो है जो हमने अभी आपको इन डिटेल बताया, राइट? अभी हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा एमिनेशन लेना, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। आप ये आपका जो स्लाइड आपने बनाया है तो बहुत सेल्फ एविडेंट है। जैसे हमने पहले बताया, अपना एमिनेशन फैक्ट्रीज में बनता है और टुगेदर इसका पूरा इंस्पेक्शन होता है, फिर कुछ
कुछ लॉट सीधा सेंट्रल एमिनेशन डेपो अपना है पुलगांव में, एक ही सेंट्रल एमिनेशन डेपो है, और बहुत रीजनल एमिनेशन डेपोज हैं जो कुछ पीस स्टेशंस में हैं और कुछ पीस एरियाज में हैं, कुछ फील्ड एरियाज में हैं। मैं उसमें उसके डिटेल्स में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि एमिनेशन फैक्ट्री से अगर एक पर्टिकुलर बैच जो बनता है कुछ जाता है सेंट्रल एमिनेशन डिपो में अपना आर्मी हेडक्वार्टर का जो रिजर्व रखता है, और बाकी जाता है डायरेक्टली टू योर रीजनल एमिनेशन डिपोज और फॉरवर्ड एमिनेशन, ऑल एंड नोन एज ए, आजकल टर्म रीजनल निकल गया है, सबको हम एफएडीज बोलते हैं, जो पीस में भी है वो भी नहीं, कन्वर्ट मैं होके सर, आई पुट दिस, आई अंडरस्टैंड. मैंने आई ये वांट डाला है तो कि टू पीस अंडर एंड फील्ड, करेक्ट, टू एक्सप्लेन पीस एंड फील्ड, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो कुछ जाते हैं पीस एरियाज में, कुछ जाते हैं डायरेक्टली फॉरवर्ड एरियाज में। उधर से हम इश्यू करते हैं फॉर्मेशंस को, जो फाइटिंग फॉर्मेशंस जो हम बोलते हैं, फलाना डिवीजन 2 डिव है, 5 डिव है, 9 डिव है पीस में, 14 डिव है पीस में, नॉर्थ में 3 डिव है, तो ऐसे डिविजन्स को हम इशू करते हैं, और वो डिविजन के जो एमिनेशन डंप्स होते हैं वो उधर जाकर के इट इज हेल्ड, और आगे उधर से हमें ये गन पोजीशंस पे यूनिट्स को जो हम इशू करते हैं वो जाकर के अपने गन पोजीशंस में जाकर के ये एमिनेशन होल्ड करते हैं। बेसिक सिस्टम जो है बाय रेल जाता है मैक्सिमम लोड टू फ्रॉम एमिनेशन फैक्ट्री टू सेंट्रल एमिनेशन डेपोज, योर रीजनल एंड फॉरवर्ड एमिनेशन डेपोज, और उससे आगे जाता है मेनली बाय रोड, ये बस राइट. ज्यादा या और मैं कुछ आपको नहीं। यह भी बताना चाहता हूं, हर आर्टिलरी यूनिट के पास 2 दिन का एमिनेशन होता है अपने पास यूनिट के अंदर, और उसके बाद पीछे जो इमीडिएट एमिनेशन डंप में है वहां 2 दिन और होता है. तो जब अगर लड़ाई आज के दिन छिड़ गया तो कोई भी फॉर्मेशन के पास 4 दिन का एमिनेशन रेडी है. ठीक, उसके चंद पीछे, 1 दिन पीछे, मतलब 1 दिन के पहुंच में और भी एमिनेशन होता है जो फॉरवर्ड एमिनेशन डंप्स में होते हैं. वो होते हैं, कहीं कहीं 10 दिन का स्टॉक होता है, कहीं कहीं ये 15 दिन का स्टॉक होता है. वो अलग अलग हिस्सा है, हिसाब हिसाब किताब है, और उसके पीछे बाकी और होता है. तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास, हमें पता नहीं कि कहाँ कितना होना है. और सेंट्रल एमिनेशन डिपो में जो रिजर्व होता है उससे ये है कि जहां ज्यादा लड़ाई होता है वहां सीधा चले जाता है. और ये भी है कि किसी एमिनेशन डिपो से सीधा गन पोजीशन तक भी सामान जा सकता है. और हमारा नॉर्मली हमारा तरीका यही होता है कि एमिनेशन एक बार गाड़ी के अंदर लोड हो गया तो अनलोड वो होता है गन पोजीशन के अंदर ही. और ये सब कार्रवाई जो रात को होता है, दिन में कुछ नहीं होता, दिन में एमिनेशन हिलता नहीं है. राइट, तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये तरीका जब तक नहीं है हमारे पास वो स्टेमिना भी नहीं आता. ओके सर, इफ यू कुड गो ऑल दिस वन बाय वन, आप बताइए ताकि इन सबको समझ में आए एक एक पॉइंट के बारे में. देखिए, पहले बात है लॉजिस्टिक्स चेन वेल एस्टेब्लिश और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वेल सेट, इसके ऊपर हमने अभी भी जो भी बात किया है ये इसके बारे में ही हम बात किया है, सो आई विल नॉट ड्वेल ऑन दैट। हमारा काफी एक्सपीरियंस है हाई ऑल्टीट्यूड का, क्योंकि हमारे ट्रूप्स हमेशा, आपको पता है, स्टार्टिंग विद 1948 जब पाकिस्तान ने लद्दाख पे हमला किया है तब से, और जब चीन के साथ लड़ाई हुआ है 1962 में, तब से हमारा हाई ऑल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस है, और 40 साल ग्लेशियर के ऊपर, आप लोगों को पता है पूरा ब्रिगेड है उधर, उसका एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो हमारा जो स्टॉक्स है अच्छी डिलीवरी सिस्टम है, और स्टॉक्स हमारे पास है लड़ाई लड़ने के लिए। आपने बताया नॉट ऑल एमिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम, ये ठीक आपने बताया, क्योंकि जहां कन्वेंशनल वॉर का जो है हम नहीं समझते हैं कि ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर हो सकता है, जब न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, तो
अगर सेक्टर में कुछ हो जाएगा, अगर कोई थिएटर में कुछ हो जाए, उसके लिए हमें काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, एम्युनिशन का इंस्पेक्शन इज एन ऑनगोइंग थिंग। हमारे ऑफिसर्स, हर एक ऑर्डनेंस ऑफिसर एम्युनिशन ऑफिसर है, और वो जाते हैं स्टॉक्स जो यूनिट के साथ है, जो डिपोज में है, वो चेक करते हैं। जहाँ डाउट आता है, वो फिर हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है DGQA, उससे भी चेक्स करवाते हैं। लेकिन ये जो एम्युनिशन का जो चेकिंग है, टेस्टिंग है, उसको हम एम्युनिशन प्रूफ बोलते हैं। तो प्रूफ टेस्टिंग दो किस्म का होता है, एक जहां एम्युनिशन पड़ा है, और एक फायरिंग का प्रूफ टेस्टिंग, उसको बोलते हैं डायनामिक प्रूफ टेस्टिंग। सिमिलरली टर्नओवर ऑफ एम्युनिशन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस। जो ऑपरेशनल एम्युनिशन होता है, कुछ सालों बाद, कुछ कंडीशंस मीट करने के बाद वो डाउनग्रेड होता है, वो ट्रेनिंग में आ जाता है। अगर फिर डाउनग्रेड होता है, जैसे जनरल शंकर ने पहले बताया, फिर उसको हमें डिमोलिश करना पड़ता है अगर टू मच हो जाए। तो इसलिए हमें बहुत बहुत ख्याल, बजट को ध्यान में रखते हुए, थ्रेट को ध्यान में रखते हुए, हमें एक बैलेंस रखना चाहिए कि कितना एम्युनिशन रखना है। उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है, आपने बताया है, जो क्रिएट द एबिलिटी टू जंप स्टार्ट ऑब्लिक सर्च प्रोडक्शन। यस, हमारा फैक्ट्रीज मॉडर्नाइज हो रहे हैं, और अभी जब ये कॉरपोरेशंस बन गए हैं, मेरे ख्याल में ये और मॉडर्नाइज हो गया है। एंड जैसे आपको पता है, कोई भी फैक्ट्री को अगर एक्स्ट्रा मैन पावर मिले, अगर समझो कि नेशन का रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी फैक्ट्री अगर उसको पावर मिले फुल टाइम, तो वो 3 शिफ्ट में काम कर सकता है। पीस टाइम राइट में दो हमारे पास शिफ्ट या है, एक शिफ्ट आप है, बिल्कुल कभी 2 शिफ्ट है, लेकिन 3 शिफ्ट का जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड और अनलेस इज एन ऑनगोइंग प्रोडक्शन। और बात ये भी है, समझने की बात यह है कि हमारे पास काफी क्षमता है। अमूमन जैसे मैंने पहले बताया, हम आती अपना शक्ति को नहीं पहचानता, तो वो हालत है बहुत चीजों में हमारा। और ये भी मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग बहुत पूछ रहे हैं कि इज आवर एमिनेशन एज गुड एज वेस्टर्न एमिनेशन। भाई स्टैंडर्ड्स आर द सेम, ठीक है, और एमिनेशन एज गुड एज एनी अदर। तो अगर ये मत सोचना कि वेस्टर्न एमिनेशन बहुत अच्छा है और हमारा एमिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि चाहे वो इम्पोर्टेड एमिनेशन हो या इंडियन एमिनेशन हो, उसका जो इंस्पेक्शन रूटीन्स है, रिपेयर करने का रूटीन है, और उसका एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स है, वो सब बराबर है। वो प्रूफिंग जो इन्होंने बताया, डायनेमिक प्रूफ होता है, स्टैटिक प्रूफ होता है, ये सब। इनफैक्ट हमारा जो इंडियन एमिनेशन है, वो स्टेज बाय स्टेज वो प्रूफिंग चलता है साथ साथ, तो आप उसके बारे में फिक्र मत कीजिए ज्यादा। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। सब लोग, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि क्यों हमारे पास, हम क्यों 60 दिन का नहीं रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, लड़ाई जो है ना, हर जगह हर वक्त नहीं होता। ये जो 30 डे स्टॉकिंग का मतलब, पूरा हर गन या हर हथियार आपके पास जो है, उसके 30 दिन का एमिनेशन, पर हर जगह लड़ाई नहीं हो सकता, नहीं होता एक ही तादाद पे। अगर ईस्टर्न लद्दाख में लड़ाई हो रहा तो बाकी जगह लड़ाई नहीं था, अगर कारगिल में हम लड़ रहे थे बाकी जगह तो लड़ाई नहीं हो रहा था। अगर ऐसे चले तो, अगर सिर्फ पूरा इंडिया में सिर्फ 1/3 गन हम इस्तेमाल करें, एक क्योंकि 2 सेक्टर में अगर लड़ाई चढ़ गया, 1/3 गन से इस्तेमाल करें, अगर हमारे पास 30 दिन का स्टॉक है, इसका मतलब 1/3 गन के लिए हमें पास कितना है, 90 दिन का स्टॉक है। 90 दिन का स्टॉक काफी होता है, ठीक है। आपका प्रोडक्शन पहले दिन, जब जिस दिन राउंड पहले लड़ाई जैसे चिढ़ जाता है, एमिनेशन स्टॉक बिल्डअप हो जाता है शुरू ओवर टाइम में, तो तब हमारा स्टॉक जो एक्सपेंडिचर से ज्यादा ही बनना शुरू हो जाता है। ये प्लानिंग है, ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास क्षमता नहीं है। और उसके बाद अगर छोटा लड़ाई हो गया तो सिर्फ 1/6 गन इस्तेमाल किया, राइट, 1/6, तो हमारे पास 6 महीने का स्टॉक है। आज अगर हमारे पास आर्टिलरी एमिनेशन का 30 दिन का स्टॉक है, तो तकरीबन अगर कोई छोटा मोटा छुटकिटपुट हो गया और
आमतौर पर लड़ाई शुरू भी हो गया, क्योंकि लड़ाई कभी भी बड़ा शुरू नहीं तो छोटा छोटा शुरू होता है, तो हमारे पास इतना वक्फा है स्टॉक बिल्डअप करने के लिए. सर, यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज ऐड. आई थिंक यू कवर्ड दिस एडिक्वेटली। जैसे मैंने बताया कि हमने जो कैलकुलेशंस करते हैं वो कुछ फिगर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट सिनेरियोस पे लेते हैं, और जहां जैसे जनरल शंकर ने बताया, क्वेश्चन इज हाउ मेनी गन्स आर यू डिप्लॉइंग एट एनी मोमेंट इन टाइम इन एनी पर्टिकुलर थिएटर, राइट. तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर, आप यू कैन टेक दिस ऑन. ये भी है कि हम हमारा स्टेमिना तब बढ़ेगा व्हेन यू डिस्टर्ब द एनिमी. इफ यू कुड गिव योर व्यू ऑन दैट, करेक्ट. सो वी आर गेटिंग इनटू डाउन द वॉरफेयर, वॉर कैसे फाइट होगा और हमारा स्टेमिना कैसे इंप्रूव होगा. एक तो है कि मैं तीसरा पॉइंट पे जाना चाहता हूँ पहला, क्योंकि इंडियन सिनेरियो में हमारा हिमालयस में जो हम चाइना के अगेंस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स जो हमारे रॉकेट फोर्सेस है, आप देख रहे हैं कि कितना यूज हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और एयरफोर्स, तो हमारा अच्छा पोजीशन है इसमें विसवी चाइना. सो दीज विल ऑब्वियसली बी योर फोर्स मल्टीप्लायर्स टू योर आर्टिलरी. तो एनिमी का, जैसे एनिमी ट्राई करेगा हमारा सप्लाई चेन इफेक्ट करने के लिए और हम ट्राई करेंगे उनको डिस्टर्ब करने के लिए, अगर हमने ठीक तरह से चाइना का वल्नरेबिलिटी या उनका वीक पॉइंट स्टडी किया है, तो हम जो हमला चाइना कर रहा है हमारे ऊपर, ये नॉट ओनली कि हम ये हमला को रोक सकते हैं, हम जा करके आगे भी अपने फोर्सेस को आर्टिलरी कवर दे सकते हैं बढ़ने के लिए, एयर कवर दे सकते हैं बढ़ने के लिए टिबेटन प्लेटो पे. या तो आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस. कि आपका क्षमता तब बढ़ेगा जब यू नो दुश्मन का क्षमता कम हो जाएगा. और जो जनरल गौतम मूर्ति ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तिब्बत में टेरेन ओपन है, रोड्स बड़ा क्लियर है, हमारे यहाँ ने काफी वेजिटेशन है और रोड आसान से हवाई जहाज से भी नजर नहीं आते, और वैलीज में हमारे रोड्स उनका बड़ा क्लियर है, फ्लैट टेबल टॉप है. उस इलाके में उनका एमिनेशन सप्लाई के ऊपर हावी होना बहुत आसान है. इनफैक्ट रिलेटिवली वी आर बेटर ऑफ, और उनका एयर कैपेबिलिटी भी नहीं है, बहुत कुछ है. तो इस मामले में भी देखा जाए तो आवर कैपेबिलिटी इज गुड, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है. सर, और कुछ है तो आप बताइए, नहीं तो मैं सवाल लूंगा. आई थिंक यू कैन टेक ऑन द क्वेश्चंस.